नमस्कार दोस्तों, आर यू एक्साइटेड? आर यू ऑल एक्साइटेड? दैट्स ग्रेट। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आप सभी को आज के इस ऐतिहासिक दिन का हिस्सा बनने के लिए तहे दिल से बहुत बधाई देना चाहता हूं। थैंक यू दोस्त। दोस्तों, आज हमने एक कदम पूरा किया है और मुझे विश्वास है कि ऐसे ही एक एक कदम चलते चलते एक दिन 100 कदम भी चलेंगे। हम रहे ना रहे, लेकिन ये कारवां जरूर चलता रहेगा। हमारी आपकी अगली जनरेशन आएगी और शायद 100वां कदम मनाएगी और वो लोग भी याद कर रहे होंगे कि हाँ, COVID-19 जैसे महामारी के बीच रूट प्योर के दिग्गज साथियों ने, दिग्गज सिपाहियों ने, उनहार लीडर ने पहला कदम मनाया था जहां भी पूरी दुनिया डर रही थी। दोस्तों, आज से एक साल पहले जब रूट प्योर की कंपनी की शुरुआत हुई थी तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि हम बहुत अच्छे से काम करेंगे और इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि उसके 2 महीने के बाद पहली एनिवर्सरी मनाने के लिए मैंने IG स्टेडियम बुक करा दिया था। ईश्वर को शायद मंजूर नहीं था, हम IG तो नहीं जा सके, लेकिन इस 1000 लोगों के दिल में जो आग आज लग रही है वो हिंदुस्तान के घर घर में लगने वाली है। यस और नो? सो दोस्त, मैं आज के इस पावन अवसर पे सबसे पहले उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने इस शानदार, एक खूबसूरत इंडस्ट्री का निर्माण किया जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जहां पे एक आदमी दूसरों की जिंदगी को कैसे बदला जाए उसके लिए मेहनत करता है। यस और नो? इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे एक अपलाइन अपने डाउनलाइन की जिंदगी परिवर्तित करने के लिए ठीक उसी तरह प्रयत्न करता है जैसे एक मां बाप अपने बच्चों की जिंदगी को बदलने के लिए प्रयत्न करता है। यस और नो? आप दुनिया में जितने भी लोगों को देखते होंगे, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, यू नो, गाड़ी में चलते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, जब उन लोगों का बैकग्राउंड उठा करके देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो सारे के सारे लोग बहुत ही अच्छी फैमिली से आते हैं। वो सारे के सारे लोगों की स्कूलिंग बड़ी अच्छी हुई थी, उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ही अच्छी तरीके से की गई थी, उनका परिवेश बहुत ही अच्छा था, तब जाकर के वो अपनी जवानी में अच्छी जिंदगी को जी रहे होते हैं, अच्छी गाड़ी में घूम रहे होते हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे होते हैं, अच्छी जिंदगी अच्छे तरीके से बिता रहे होते हैं। लेकिन इकलौती इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग जहां पे कैसा भी इंसान हो, किसी भी परिवेश से आया हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक ही चीज है, दिल में सपने होने चाहिए। वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आता है, चंद साल मेहनत करता है, उसकी जिंदगी पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाती है। और ये बात मैं इतने दावे से इसलिए कहता हूं कि मैंने अपने हाथों से और मैंने अपने नजर के सामने हजारों लोगों की जिंदगी को बदलते हुए देखा है। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जो कभी साइकिल पर चलते थे, जहां समाज में जिनको कोई पूछता नहीं था, आज वो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। जो कभी मोटर मैकेनिक हुआ करता था, आज बड़ी गाड़ी में घूमता है और दुनिया उनको सलाम करती है। ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल हैं। तो इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कहूं दोस्त, बहुत ही मतलब एक यूनिक और बहुत शानदार इंडस्ट्री है। अगर इंडस्ट्री नहीं आई होती तो हम शायद आज यहाँ पे नहीं होते। हम सब अपने अपने जरूरतों को पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कर रहे होते और अपना घर चला रहे होते। और यह इंडस्ट्री बहुत पुरानी है दुनिया में, ये बहुत सालों से फलता फूलता आ रहा है। हमारे देश में थोड़ी सी नहीं है, हमारे देश में ये इंडस्ट्री लगभग 25 साल पुरानी है। इन 25 सालों के दरमियान दोस्तों हिंदुस्तान में ने बहुत कुछ देखा है और इस देश के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हुई है और जहां से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक और बात है, एक सिक्का के दो पहलू होते हैं ना, हेड है तो टेल भी है। तो सिक्का के दूसरी पहलू यह है कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे कुछ लालची लोगों ने, कुछ अनएथिकल लोगों ने, कुछ गैर जिम्मेराना तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर गलत तरीके से, अनएथिकल तरीके से कुछ करने की कोशिश करा।
मैं उसके बारे में विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा, सिर्फ इतना बोलूंगा कि कुछ लोगों की गलतियों की वजह से हिंदुस्तान के अंदर कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के एक नेगेटिव माइंडसेट बनता चला गया। Am I right or wrong? एक नकारात्मकता का भाव बनता चला गया। और आज रूट प्योर का एडवाइजर होने के नाते मेरा मैनेजमेंट का, टॉप लीडर का और आप सबका यह फर्ज बनता है कि हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के मूल सिद्धांत को समझें और हिंदुस्तान के घर घर में जाकर डायरेक्ट सेलिंग के मूल सिद्धांत को समझा सके और इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के मूल सिद्धांत को समझा सके कि आने वाली पीढ़ियां बड़े गर्व के साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करें और लोग बड़े गर्व के साथ रूट प्योर एडवाइजर को देखें, रूट प्योर के लीडर को देखें और बोले कि ये कंपनी है जो 100% एथिक्स के साथ काम करती है। ये वो लोग हैं जो पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करता। आपकी कंपनी इन्हीं दो चीजों के लिए तो जाई नहीं जाती, ईमानदारी और सच्चाई, और यह हमारा फर्ज है। और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर सबकी माइंडसेट को बदलेंगे और एक पॉजिटिव सोच लेकर के आएंगे। दरअसल हुआ क्या, मैं आपको बताऊं कि जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है ना, बड़ी सिंपल सी बात है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर कुछ नहीं हुआ, एक ही चीज हुआ कि मार्केट के अंदर जो चीजें बेची जा रही थी उसके बेचने के तरीके को बदल दिया गया। और डायरेक्ट सेलिंग कहता है कि उसी प्रोडक्ट को, सिमिलर प्रोडक्ट को उसी प्राइस के अंदर आप ट्रेडिशनल मार्केट से ना बेच करके डायरेक्ट सेलर के जरिए बेचे। लेकिन लोगों ने पे आउट के लालच में बिजनेस प्लान दिखा दिखा करके किसी भी प्रोडक्ट की, मतलब अननेसेसरी की प्राइसिंग करी, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया, मनी चेन चलाया, सर्वे कराया, पता नहीं क्या क्या करा। मैं कितनी सारी बातें बताऊं, लोगों ने गलत किया जो हमने ठीक करना है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इसको ठीक करेंगे। और दोस्त, आपकी कंपनी रूट प्योर एक चीज को लेकर के दृढ़ संकल्पित है कि हम बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मार्केट प्राइस के ऊपर हिंदुस्तान के घर घर में पहुंचाएंगे और आज पहुंचा रहे हैं, आज पहुंचा रहे हैं दोस्त। आज दुनिया एक साल में आपको जानने लग गई है कि रूट प्योर क्या है। आज से एक साल पहले जब रूट प्योर की शुरुआत हुई थी और उससे कुछ महीने पहले जब हम रूट प्योर की तैयारियां कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है हम ऑफिस देखने गए डीएलएफ मॉल के अंदर, जहां पे डीएलएफ कमर्शियल टावर में जहां पे आपका ऑफिस है। जब हम ऑफिस देखने गए तो वहां पे लोग ऑफिस खाली कर रहे थे। मैंने 10 से ज्यादा ऑफिस को खाली होते हुए देखा और इकलौती ऑफिस थी रूट प्योर जो नहीं ओपन हो रही थी। जब खाली करने वाले लोग मिलते थे तो कहते थे कि साहब आपको मालूम है 15-15, 20-20 साल पुराना व्यापार लोगों का बंद हो रहा है, ऑफिसेज वैकेंट हो रहे हैं, लोगों का रोजगार चला गया। सर आपके हिम्मत की तो दाद देनी होगी, आप लोग इस महामारी के अंदर जहां सारी दुनिया लॉकडाउन से जूझ रही है आप नई शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं उनको क्या जवाब देता दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मैं कोई जवाब नहीं दिया, मैं मुस्कुरा देता था। मैं उनको कैसे बताता कि ये जो लोग हैं हमारे, उनके अंदर कितना आग भरा हुआ है। मैं उनको कैसे बताता कि हमारे ये जो लोग हैं वो कोविड जैसी महामारी से डरकर घर में बैठने वाले नहीं है, ये वो लोग हैं जो विपरीत परिस्थितियों में इतिहास रचाने की हिम्मत रखते हैं। दोस्तों, किसी ने कहा है कि अगर आप पिछले जन्मों में अच्छे कर्म करते हैं तो इस जन्म में आपका किस्मत आपका साथ देता है, ऐसा किसी ने कहा है, आपने भी सुना होगा। मुझे नहीं मालूम ये बातें सच है गलत है, कितना सच है कितना गलत है मैं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मालूम है कि अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है तो मैंने कुछ तो अच्छे कर्म किए पिछले जन्म में, क्योंकि इस जन्म में मुझे आप जैसे लोगों का साथ और प्यार मिला है और मुझे गर्व है इस बात का कि मुझे आपका साथ और प्यार मिला है। तो हम लोगों ने मिलकर के रूट प्योर की शुरुआत कर दी और जबकि तो एक साल के अंदर क्या क्या किया आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से मालूम है। जब हमने एक साल पहले शुरुआत किया था और एक साल में हमने क्या रिजल्ट दिया। एक और बात जो मेरे जहन में है जो मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर क्या होता था और रूट प्योर क्यों बनी। रूट प्योर बनाने के पीछे एक बड़ा मकसद यह था कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किसी भी डायरेक्ट सेलर को अपनी जागीर ना समझे साहब।
दोबारा बोलता हूं, एक मेरा मकसद था कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किसी भी डायरेक्ट सेलर को अपना जागीर नहीं समझे। साहब मैंने देखा कि लोग अपने आप को भगवान समझने लग गए थे और आपको न जाने क्या क्या समझ रहे थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको एक बात बताऊं दोस्त, भगवान भी भक्त के बिना अधूरा है या नहीं है। मैं आपको, मुझे कुछ याद आता है आज के पावन अवसर पे, मैं जरूर आपके साथ बात करूंगा। मुझे एक भजन याद आता है विनोद अग्रवाल जी का, आप लोगों ने सुना होगा, अब नहीं रहे हमारे बीच। विनोद अग्रवाल जी बहुत ही मशहूर भजन गायक थे, कृष्ण भगवान का भजन गाते थे। तो विनोद अग्रवाल जी कहते हैं एक भजन में भगवान को कि हे भगवान, तुमने सृष्टि को बनाया है, तुमने हमारी रचना की हुई है, लेकिन इस सृष्टि के अंदर जितनी तुम्हारी साझेदारी है उतनी ही हमारी साझेदारी है, 50% का साझेदारी है। गलती से तुम अपने आप को 51% मत समझ बैठना, क्योंकि तुमने मुझे बनाया है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम 51% हो, 50-50, और ये 50-50 इसलिए है कि हम दीन हैं, इसलिए तुम दीना नाथ हो। हम दीन ना होते तो तुम दीना नाथ नहीं कहलाते। कहते हैं विनोद अग्रवाल जी, हम पतित ना होते तो तुम पतित पावन नहीं कहलाते। सो दोस्तों, एक मैसेज देना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान को कि जो डायरेक्ट सेलर हैं वो हैं तब कंपनी है, आपसे कंपनी है, हमसे कंपनी नहीं। ये कंपनी आपकी है, ये कंपनी आपकी है, आप मालिक हैं कंपनी के। सिस्टम है चलाने के लिए किसी एक को आगे आना पड़ता है, बट ये आपकी कंपनी है दोस्त। इसके बारे में रूट प्योर के बारे में कहते हैं, दिस इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये लोगों की कंपनी, लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली, लोगों के लिए चलाई जाने वाली कंपनी है। और इस बात का एहसास आपको पल पल में होता होगा, होता या नहीं होता। रूट प्योर एक ऐसी कंपनी है हिंदुस्तान की जहां पर कोई निर्णय हमारे तरफ से आपको थोपे नहीं जाते। आपकी हर प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, आपकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। आपका हर सजेशन हम मानते हैं, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले हम आपका विचार विमर्श करते हैं, आपका मतलब आपके टॉप लीडर का भी, हम लोग सलाह करके फिर डिसीजन लेते हैं और आपकी हर सलाह को इंप्लीमेंट करते हैं। एक उदाहरण के लिए आपको एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। रूट प्योर कंपनी मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया था कि हम 1000 रुपए से नीचे का मैचिंग बोनस नहीं देंगे, लेकिन आपके सलाह के ऊपर आप लोगों ने बोला कि सर इसको 500 रुपए का कर सकते हैं क्या। हमने अपने डिसीजन को बदला और हम 500 रुपए का भी चेक रिलीज करना शुरू कर दिया। एक टीम की डिमांड आई, एक टीम की डिमांड आई कि सर हमारे लोग ऑल ब्लैक बाजार से खरीदते हैं, सर प्रोडक्ट ला दोगे। मैंने बोला सर आपकी कंपनी है, लोगों की कंपनी है, और हम ऑल ब्लैक लेकर के आ गए। लोगों की डिमांड है कि सर सैनिटरी पैड की जरूरत है। मैंने बोला थोड़ा सा टाइम दो, ऐसा सैनिटरी पैड लाएंगे जो हिंदुस्तान का शायद बेस्ट एवर पॉसिबल सैनिटरी पैड होगा। और आप जानते हैं हम दृढ़ संकल्पित हैं कि हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखेंगे, हम अपनी हर चीज को कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दोस्तों, एक साल पहले जब हमने शुरू किया था तो एक ही चीज था, वो था आपका साथ और आपका प्यार। और आपके साथ और आपका प्यार का नतीजा है कि कोविड जैसे महामारी में साहब एक नई कंपनी जो उठ के खड़ी हुई है, ऐसी शुरुआत की, ऐसे रिजल्ट दिए कि दुनिया भर के लोगों के कान खड़े हो गए ना। आपकी अचीवमेंट को देखकर दुनिया भर के लोग कहते हैं कि क्या करते हैं ये लोग। और मजा तो तब आता है कि जब हमारे लीडर आकर के बोलते हैं कि सर पुरानी पुरानी कंपनियों के लोग अब कह रहे हैं कि सर अब तो हमारा प्लान भी रूट प्योर की तरह हो गया। मैंने एक बात बोला था, हमेशा बोलता हूं और पूरी जिंदगी बोलता रहूंगा कि रूट प्योर इसलिए बनाया कि आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को डायरेक्ट सेलर के बारे में सोचना पड़ेगा, वो नई कंपनी हो चाहे पुरानी कंपनी हो। नई कंपनी तो इसको रेफरेंस में लिए बगैर आ नहीं सकती और पुरानी कंपनी इसको रेफरेंस में लिए बगैर चल नहीं सकती। एक साल से कम समय के अंदर
आपने प्रोमो में देखा अमित मिश्रा जी 50 लाख से ज्यादा के इनकम किए हैं, पूरी टीम छोड़कर जीरो से शून्य से शुरुआत किया था। कितने से? शून्य से शुरुआत किया था, ना एक आदमी लेफ्ट में ना एक आदमी राइट में। वो भानुमती का पिटारा इकट्ठा करा पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर। अजीत चौधरी 60 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम 2 IDP मिलकर के करा है। कोविड आ गया, नहीं तो हम आज बहुत बड़ा हंगामा कर रहे होते। अजीत चौधरी लास्ट टाइम आए थे, इन्होंने पोर्शे कार देखा और हमने तो अनाउंस करा था कि पोर्शे खरीदेंगे। आज एक डबल अनाउंसमेंट कर रहा हूं, पोर्शे तो खरीदेंगे, बड़ा अनाउंसमेंट यह है कि कैश में खरीदेंगे, 1 करोड़ रुपया देंगे और फिर पूरे हिंदुस्तान में धूम मचाएंगे। 1 साल से भी कम समय में 50 से अधिक प्रोडक्ट आपके पास है, इसमें कोई दो राय है? आज हिंदुस्तान में एक कंपनी अपने आप को सबसे बड़ा क्लेम करने की कोशिश करती है और उन्होंने वेबसाइट के ऊपर अपने टर्नओवर भी डाले हुए थे और उनका 2 साल का टर्नओवर हम 3 महीने में क्रॉस कर गए। 1 साल में हमने 50 से अधिक प्रोडक्ट लेकर आए अलग अलग कैटेगरी के अंदर। 1 साल से में हमने अलग अलग स्टेट में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में अपने स्टॉकिस्ट बनाने शुरू कर दिए। 48 ऑपरेशन में है और करीब 10-12 ऐसे हैं जो अगले 2-4 हफ्ते में ऑपरेशन में आ जाएंगे। ये आपकी अचीवमेंट है। इससे भी बड़ी बात, आपकी कंपनी भारत सरकार के कंप्लीट गाइडलाइन को फॉलो करती है और भारत सरकार के ही नहीं, अलग अलग राज्यों के भी कई जगह पे गाइडलाइन है और वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। वो सारी की सारी गाइडलाइन को हम एथिकली फॉलो करते हैं। कंपनी शुरू होने से पहले ही सारी की सारी डॉक्यूमेंट हमने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में सबमिट करवा दिए थे। एक सवाल लोगों के मन में कई बार आता होगा कि वेबसाइट पे नाम नहीं आए, तो मैं आपको आज क्लियर करना चाहता हूं कि वेबसाइट के ऊपर किसी कंपनी का नाम नहीं है। अगर कोई लिस्ट है वो पुराना लिस्ट है, भारत सरकार के वेबसाइट पर किसी भी कंपनी का नाम नहीं है। वो क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा और क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज मैं सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं करूंगा, मैं ओवरऑल कंपनी की बात करूंगा। हमने ना सिर्फ भारत सरकार के अंदर सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करे कंज्यूमर अफेयर में ओपनिंग से पहले पहले, उसके अलावा अलग अलग स्टेट के नोडल ऑफिसर्स को हमने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करे। अब सवाल है कि वेबसाइट के ऊपर आपका नाम क्यों नहीं था। जो वेबसाइट के ऊपर जितने भी कंपनीज के नाम आते थे वो कंपनीज थे जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे और उनको डॉक्यूमेंट सबमिशन का एक सर्टिफिकेट मिला था जिनको लोग दिखाया करते थे। शुरू शुरू के कुछ कंपनी को सर्टिफिकेट उनको मिला, बाद में किसी कंपनी को सर्टिफिकेट नहीं मिला, रिसीविंग देते थे जो हमारे पास भी है 1 साल पहले का। वेबसाइट पे नाम नहीं आने का कारण था कि कोविड की वजह से उनकी चीजें एक्सटेंड होते रह गई और जैसे ही हमारा वेबसाइट पे नाम आना था तब तक भारत सरकार ने कुछ और डिसीजन लिए हैं जो हम सबके लिए आज सच में बहुत ही खुशखबरी है। पहले मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में डॉक्यूमेंट सबमिट कराते थे और जिन जिन का डॉक्यूमेंट सबमिट था उनका एक लिस्ट बना हुआ था, करीब 450 कंपनियों का था। अब भारत सरकार ने हमारे लिए खास पहल करते हुए एक नए विभाग में हमें काम करने के नए विभाग के अंतर्गत अब हम काम करेंगे, जिस विभाग का नाम है DPIIT, मतलब है डिपार्टमेंट फॉर इंटरनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड। और अब नए नियम के अंदर क्या करना होगा कि सारी की सारी कंपनी की रजिस्ट्रेशन होगी। अभी तक किसी भी कंपनी की रजिस्ट्रेशन नहीं थी। जो भी कहते थे कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में रजिस्टर्ड थे वो गलत बोलते थे, कोई रजिस्टर्ड नहीं था, उनकी सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट थे उसका लिस्ट में था। अब रजिस्टर्ड होंगे और जो रजिस्टर्ड होंगे मैं आपको कहता हूं हमारी सारी की सारी तैयारी ऑफलाइन पूरी है। मेरे ख्याल 8 तारीख को आखिरी जो ड्राफ्ट होने के बाद फिर इंप्लीमेंटेशन में जाएगा और जैसे ही ये DPIIT अपना काम करना शुरू करेगा, अभी ये ई कॉमर्स कंपनी पे कर रहे हैं फिर हमारे ऊपर करेंगे, तो वी विल द फर्स्ट जो हम सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे एंड आई प्रॉमिस यू कि उसके बाद अगर कोई पहली लिस्ट आएगी उसमें रूट प्योर का नाम होगा। थैंक यू दोस्त। अपार्ट फ्रॉम ऑल द लीगल में तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं है, हमारे अकाउंट में 1 रुपए कैश में डिपॉजिट नहीं है।
एक रुपए कैश में डिपॉजिट नहीं है, ना हम कैश लेते हैं ना हम कैश देते हैं। एक और अच्छी बात है कि अब ना सिर्फ हम कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, अब आप भी रजिस्टर्ड हो जाएंगे सारे के सारे डायरेक्ट सेलर। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शानदार खबर है। सो ये तो हो गई लीगल की बात। ना सिर्फ लीगल, 50 से ज्यादा प्रोडक्ट आपको पहले बताया, हमारी क्वालिटी इतनी शानदार है, हमारी प्राइसिंग इतनी शानदार है जो दुनिया देखती है। एक एग्जांपल देता हूं, हमारे पास एक प्रोडक्ट है इम्यूनो रूट, है ना, पूरा कोविड के अंदर आपका बिजनेस इम्यूनो रूट पे टिका रहा। उसका जो ओरेक वैल्यू है 11,85,000। आप हिंदुस्तान में जाकर के ढूंढिएगा कि एक लीटर कौन सा ऐसा एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर जिसके अंदर 11,85,000 ओरेक वैल्यू है। और अगर गलती से एक तो शायद कभी मिले ना, और अगर गलती से कहीं मिल भी गया ना, तो रेट हमारे से कई गुना ज्यादा होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आपको। तो मैं आपको कैसे बोलूं, क्या क्या चीज बोलूं, हमने अलग अलग वैरायटी के अंदर बड़े सारे प्रोडक्ट लेकर के आए। आप जानते हैं लोगों की जरूरत है, और मैंने पहले बोला था कि एक साल मैं सिर्फ नेटवर्क के साथ काम करूंगा, एक साल के बाद हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लगेंगे। और आज के इस मौके पे आपको मतलब ऐलान करता हूं कि बहुत जल्दी आप बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर देखेंगे मैन्युफैक्चर्ड बाई रूट प्योर। थैंक यू दोस्त। हेल्थ प्रोडक्ट के अंदर आपका प्रोडक्ट धूम मचा रहा है। कुछ और भी हमारे पास प्रोडक्ट है, पाइल्स केयर, किडनी स्टोन, थायराइड, मेमोरी बूस्टर, ये चार प्रोडक्ट। रुको, ये चार प्रोडक्ट हमारे पास रेडी है, क्लिनिकल ट्रायल पे मैंने भेजा हुआ है, और उससे होकर के आएगा तो 1 से 2 महीने के अंदर ये चारों आपके पास 100% आएगा। और भी हम अलग अलग रेंज में अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट लेकर के जाने जा रहे हैं। हिंदुस्तान गांवों का देश है, हमारा नेटवर्क भी बहुत जगह गांवों के अंदर है, और गांव में किसान रहते हैं, बोलते हैं हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। तो हमारा जो नया वेरिएंट हम स्टार्ट करने वाले हैं वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट लेकर के जल्दी आने वाले। थैंक यू दोस्त। ना सिर्फ हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट लेकर आने वाले हैं, हेल्थ केयर पे बहुत सारे प्रोडक्ट लेकर के आने वाले हैं, और साथ में जो कॉस्मेटिक्स के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ क्रीम लेकर के आएंगे, टोनर लेकर के आएंगे, हेयर ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग चीजें लेकर के आएंगे, उसमें आपको बड़ी सारी वैरायटी अगले 2-4 महीने में मिलेगी। सो दोस्त, टाइम टू टाइम हमने आपको बेस्ट प्रोडक्ट दिया, और ना सिर्फ बेस्ट प्रोडक्ट दिया, आपके अंदर जो ट्रेनिंग सिस्टम है, जो आपका ये रूट कैंप है, सारी दुनिया परेशान है, आपने लोगों को परेशान कर रखा है। वो 5 स्टार में जाने के लिए कितना वक्त लग जाता था, सपना सा होता था। आज आपने, अब ये इतना मैं सालों में नहीं जाना चाहूंगा, आज आपने बच्चों का खेल बना दिया है ना। तो दोस्त, आपके सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, आपके जितने भी इवेंट है, जो अचीवमेंट है, जो आपके प्रमोशंस हैं, जो आरओएस आपने करा है, क्या करा है साहब, मैं तो गोरखपुर का वो समा ही नहीं भूल पाता हूं। जो आपके रूट कैंप हो रहे हैं, जो आपके एलडीपी हुए हैं, जो आपका टीएलपी हुआ है, ये सारे के सारे प्रोग्राम और आज भी कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हम करते चले गए और आगे बहुत सारा करेंगे। पहला कदम है, दूसरा कदम भी चलेंगे, तीसरा भी चलेंगे, चौथा भी चलेंगे। यकीन है, ऐसा मेरा विश्वास है आप लोगों के प्यार और साथ के बदौलत कि अगले साल हम आईजी में करेंगे। और मेरे दोस्त, मुझे मालूम है कि अगले साल जब आप दूसरी सालगिरह मना रहे होंगे, दूसरा कदम चल रही होंगे, तो आपके पास जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होगी वो देखकर दुनिया की आंखें चौंधी आ जाएंगी। आपकी जो अचीवमेंट होगी दुनिया गौर कर रस करेगी। और मेरा यह विश्वास है कि आज से 5 साल 4 साल के बाद, आज हम 2021 में पहली सालगिरह मना रहे हैं, 2022 में दूसरी मनाएंगे, 2023 में तीसरी मनाएंगे, 2024 में चौथी मनाएंगे, और जब 2025 आएगा और जब रूट प्योर आप सब लोग 5वीं सालगिरह मनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर 1,00,000 लोगों के साथ मनाएंगे। आपके ऊपर
पूर्ण विश्वास है कि आज से पांच साल, आज से चार साल के बाद पांचवी साल गिरा, हम लोग जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मनाएंगे। 1,00,000 लोग होंगे, तैयारी शुरू कर दो। किसके कितने हजार होंगे इस 1,00,000 के अंदर, किसके टीम में कितनी ओडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू जैगुआर होगी, कितने पोर्शे गाड़ियां होंगी, इन सब चीजों की तैयारी करिए। यही मेरी जो आपका साथ और विश्वास यूं ही मिलता रहे, हम दिन रात आपके साथ हैं, और ये जो सपना मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं इसको जरूर पूरा करूंगा, हम सब मिलकर के पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आज के अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूंगा। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।